हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल आर्या टैक गुरु दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब थंबनेल अब अपने यूट्यूब वीडियो का थंबनेल कैसे बनाएं और कैसे उसे क्रिएट करें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो में सबसे पहले आपको यहाँ से आपको अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा पिक्स आर्ट पिक्स आर्ट आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा उसके बाद आप इसमें जाएंगे प्लस में प्लस में जाने के बाद एडिट ए फोटो ये ले जाएगा आपको आपकी गैलरी में गैलरी में ले जाने के बाद दोस्तों जो फ़ोटो आपको अपने थंबनेल में लगानी है वो यहाँ से आप इसको क्लिक कर दीजिए ये मैंने यहाँ पे नॉर्मली क्लिक कर दी है अब यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हैं उसके बाद आप यहाँ पे नीचे ऑप्शन में आएंगे कट आउट में कट आउट में आएंगे दोस्तों नीचे आउटलाइन यह हम आउटलाइन में आ गए हैं अब हमारी आउटलाइन स्टार्ट हो गई है अब आपको ये जिस कटिंग करनी है फ़ोटो की मैं आपको अभी शॉट कट में बता रहा हूँ बट आपको बड़े ध्यान से करना है इसको ताकि ये आउटलाइन आपकी प्रॉपर बने और पिक्चर्स की कटिंग अच्छे से हो जाए इस तरह से आउटलाइन बन गई है अब आपको ये आउटलाइन प्रॉपर तरीके से करनी है अभी मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ फिर आप यहाँ से इसको देख भी सकते हैं आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे ये आपका सेव होके गैलरी में चली जाएगी इस तरह से आप दो तीन पिक्चर दो पिक्चरें तीन पिक्चरें एडिट कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ से आप इसको यहाँ जाएंगे बैक आपको थंबनेल बनाने के लिए दो एप्स की ज़रूरत पड़ती है एक तो पिक्स आर्ट का काम तो कटिंग का हो गया है अब दूसरा पिक कटिंग करने के बाद आपको जाना है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा पिक्स लैब पिक्स लैब पिक्स लैब आपका जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो आप यहाँ से जाएंगे यहाँ मेरा ऑलरेडी एक बना हुआ है तो हम मैं इसको पहले कैंसिल कर दूं यहाँ से मैंने पिक्सल ऐप कैंसिल कर दिया है पिक्सल ऐप जैसे ही आप ओपन करेंगे दोस्तों तो आपको इस तरह सा इस तरह का कोई स्क्रीन आ जाएगी उसके बाद आपको राइट हैंड में यहाँ पे तीन बिंदु रही है तो इसमें जाना होगा इसको क्लिक करेंगे उसके बाद आप आएंगे यहाँ चूज करना होगा आपको ई साइज ई साइज में आइए यहाँ पे आपको फिर ई साइज में कस्टमर जाना होगा कस्टमर जाइए यहाँ से आपको यूट्यूब थंबनेल में जाना पड़ेगा बैनर बनाना, बनाना है या थंबनेल बनाना है यहाँ पे जाएंगे हम यूट्यूब थंबनेल में क्लिक कर दिया ओके अभी साइज हमारा यूट्यूब थंबनेल का आ गया है ठीक है अब हमें यहाँ इसका बैकग्राउंड कलर आपने इसका बैकग्राउंड कलर क्या चूज़ करना है सबसे पहले वो हमें स्टार्ट करना होगा यहाँ आप नीचे आएंगे बैकग्राउंड कलर यहाँ पर कलर में जाएँगे कलर में गए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं मैंने इसका कलर चूज़ कर लिया बैकग्राउंड का रेड मेरा फेवरेट कलर है यहाँ से आप ओके कर देंगे फिर यहाँ से आप आएंगे ऑप्शन में उसके बाद आप यहाँ से हमें पिक्चर लेनी है यहाँ पे गैलरी से पिक्चर उठानी है तो आप यहाँ पे प्लस में जाइए फ्रॉम गैलरी ये आपको अपनी आपकी गैलरी में ले जाएगा अभी आपको आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा जो हमने पिक्चर अभी क्रॉफ्ट कर रखी थी क्रॉफ्ट की हुई पिक्चर हमने कटिंग की है वहाँ से पिक्सार से फिर आपको यहाँ पे ये दबाना है यहाँ पे इस तरह का आपका ऑप्शन बना हुआ आ जाएगा आप यहाँ पे इसको इस तरह से सजा सकते हैं इसको सीधा भी कर सकते हैं हमने यहाँ सीधा करना है तो आप इस हिसाब तो चला सकते हैं यहाँ से करेंगे हम ओके अब ये हमारा इस तरह से यहाँ पे ये यह आ गया अब हमें छोटा करना है इसका साइज पहले इसको हम सीधा करेंगे अब हम इसको छोटा करेंगे पहले अगर आपको घुमाना है तिरछा सीधा कैसे करना है ये आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे आपने इसको लगा दिया अब ये फ़ोटो हमारे लग गया हम फ़ोटो को एड्रेस कर सकते हैं हम इसमें दो तीन चार की जितने भी आप पिक्स लगा सकते हैं अब हम ये हमारा बन गया अब हम नीचे आएंगे टैक्स में हमें कुछ लिखना भी है इसमें टैक्स में आइए टैक्स क्लिक कीजिए डबल क्लिक करना होगा यहाँ पे आप इसमें इसको बैक करेंगे आपको डालना है इसमें हाउ टू थंबनेल यहां से आप इसको के कर दीजिए यहाँ से आप इसका इधर आइए अब यहाँ से हमें साइज सबसे सब पहले लेना है साइज क्लिक साइज यहाँ से हम इसको दो लाइन में भी कर सकते हैं ये लिया हमने इसका साइज यहाँ पे हम ओके करेंगे अब हमें इसको थोड़ा सा स्मार्ट बनाना है कलर का भी ऑप्शन आता है हमारे पास हम कलर इसमें यहाँ पे ब्लैक करें या रेड करें ग्रीन करें हम ब्लैक करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा रेड के साथ मैच कर रहे यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे अब हमें इसका जो फ़ॉन्ट का इसका स्टाइल है थोड़ा स्टाइल चेंज करेंगे थोड़ा सा स्टाइल में लगाएंगे हम इसको आ, नीचे आएंगे हम इसको क्लिक करते हैं फॉन्ट में क्लिक करते हैं यहाँ से हम इसको ओके okay कर देंगे हाँ थोड़ा स्मार्ट लग रहा है फिर हमें देखना है कि साइज़ को थोड़ा सा बड़ा और कर देंगे हो गया ओके okay. इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन आता है बैकग्राउंड uh, भी डाल सकते हैं आप इसमें यहाँ से बैकग्राउंड में ओके okay करेंगे फिर इसमें नीचे आएंगे ग्रीन बैकग्राउंड कर सकते हैं इसका ओके okay. इसका हमारा ग्रीन बैकग्राउंड हो गया हमने इसको हाउ टू मेक थंबनेल हमने यहाँ पे इसका ग्रीन बैकग्राउंड कर दिया है थोड़ा अच्छा लग रहा है आप इसको और भी सेटिंग कर सकते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास सारे आप इसको कर भी कर सकते हैं इसको तो यहाँ से इस तरह का बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे आप इसको मैं एक बार करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे सेव टू तो गैलरी अब हमारा ये तो ये गैलरी में जाके सेव हो गया है अब इसको नॉर्मल स्क्रीन में आ जाइए अब, अब हम जाएंगे अब हमें ये अपने वीडियो में क्रिएट करना है यहाँ पे इसके लिए हम यूट्यूब स्टूडियो तो आपको पता ही होगा आप यूट्यूब स्टूडियो में अपना जाएंगे तो आपने यहाँ से क्लिक करना है यहाँ पे जाएंगे आप नेक्स्ट ये मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है मैं इसको चेंज नहीं करूँगा तो आप इसके यहाँ पे जाके नेक्स्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको चेंज थंबनेल का ऑप्शन आ जाएगा जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आपको सीधे आपके गैलरी में ले जाएगा और आप अपनी गैलरी में से हमने जो सेफ किया था अभी वो ये ये है ये हमारा गैलरी में चले जाएगा जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये आपकी गैलरी में आ, आपकी यूट्यूब वीडियो में सेफ हो जाएगा वहाँ पर जाके आप ओके कर दीजिएगा ये आपका यूट्यूब थर्मनेल कंप्लीट है तो दोस्तों आपको हम मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए साइड में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जय हिंद जय जै भारत